हेलो गाइज, कैसे हो आप सब? तो मेरा नाम आकांक्षा अंकु गुप्ता है और आप लोग मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शेयर भी कीजिएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे सभी लोगों के पास पहुंच सके और सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन वीडियो मिल सके। तो सबसे पहले बात करते हैं आज सुमित महल जी के बारे में। तो सुमित महल जी के बारे में जो इतने सारे जो कम्युनिटी बन चुकी है, जो हल्का दीदी की साइड से जो इतने सारे लोग हैं, वो सिर्फ टारगेट किए हैं सुमित महल को, नल्ला, गंदा, निठल्ला, बहुत सारे वर्ड उनको दे दिए हैं। जगत जीजा के नाम से थे जिनको इतना इतना गंदा गंदा बोल रखा है, और उनको यही बोल रखा है कि यदि सही होता ना तो सोशल मीडिया पे ज़रूर आता। देखो, सबसे पहली बात, उस बंदे ने सोशल मीडिया पे अभी तक कुछ भी नहीं डाला था, ना ही देखो उन्होंने सोशल मीडिया पे आके अपनी शादी का अनाउंस किया था कि मैं शादी किससे करने वाला हूँ, ना ही उन्होंने अपना ये बोला था कि मैं शादी इनसे करने वाला हूँ, उन्होंने कुछ भी नहीं दिया था। सबसे पहले दीदी की वीडियो से ही पता पड़ा था कि दीदी की शादी किससे हो रही है, उन्हीं की, उसमें अपन ने इनका फोटो या इनकी शक्ल देखी हुई थी। तो आप लोग अगर उनसे चाहती हो कि वो सोशल मीडिया पे आगे कंफर्म करे, तो सोशल मीडिया पे वो बता के नहीं गए थे, सोशल मीडिया पे उन्होंने अपनी एक भी फ़ोटो नहीं डाली है यहाँ पे यूट्यूब पे कि वो हैं। उन्होंने यूट्यूब पे भी चैनल जब बनाए थे, जब उनके नाम से बहुत सारे फेक चैनल बन गए थे, तो उनने यूट्यूब पे अपना एक चैनल बनाया था और उनका आप लोगों ने लाइव भी देखा होगा। उसमें लाइव में जो उनकी सिस्टर थी वो कह रही थी चैनल को सब्सक्राइब, तो उन्होंने वहीं पर रोक दिया था, नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो उनको जिस चैनल सब्सक्राइब और ये इस चीज़ से तो उन्हें कोई भी वो नहीं था, बस उन्हें तो अपना एक चैनल इसलिए बनाया था कि मैं, हाँ, रियल मैं हूँ, बाकी फेक चैनल बन रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात, आप लोग कह रहे हैं ना कि क्या कहते हैं ये वीडियो रिकॉर्डिंग के बारे में जो चर्चा चली है, तो वो वाली बात तो वैसे भी लास्ट वीडियो में क्लियर हो गई। हाँ, और अभी सुमित महल की जो भाभी आती हैं, दोस्त की वाइफ, उन्होंने बिल्कुल क्लियर करके बोल रखा है कि वो बंदा कुछ भी कर रहा है, कैसे भी कर रहा है, लेकिन आप लोग ये मत सोचो कि वो बैठे हैं। और सच में यार, जो जिसने ऑफलाइन किया है वो ऑफलाइन ही अपना सॉल्यूशन करेगा, वो ऑफलाइन ही अपनी शादी को अनाउंस करेगा कि मैंने तोड़ दी या रखी है। तो लेकिन आज की वीडियो से और आज की इसमें मैं बताने वाली हूँ कि अभी जो इंस्टाग्राम पे सुमित महल के साथ और दीदी वाली जो वीडियो रील्स डली होती थी, आज वो सारी हट गई, आज उन्होंने सारी हटा दी है। मैं बिल्कुल पर डे चेक कर रही हूँ, लेकिन उसमें एक फ़ोटो है, उस पर सॉन्ग डला है, तो वो नहीं हटी है। अब वो किस कारण से नहीं हटी है, उसमें दीदी भी हैं, वो इस कारण से नहीं हटी, जहाँ तक मैंने सोचा है उसमें तासी है, वो तासी के पैर छू रहा है दीदी, जगत दीदी और जगत जीजा जी, तो उन्होंने तासी की वजह से नहीं डाली। और उन्होंने अपनी बेटी उसको मान रखा होगा तो मानेंगे, ऐसा नहीं है कि रिश्ता दीदी से टूटा, अगर बेटी बोल दिया तो बेटी मानेगी। उन्होंने उसमें कैप्शन में भी लिखा था हमारी बेटी, तो उस बेटी की बिचारी की कोई भी गलती नहीं है, इसलिए मेरे जहाँ तक है मेरी सोच है, इसलिए उन्होंने वो वाली फ़ोटो या वीडियो नहीं हटाई है। तो ये सब ना एक संस्कारी बच्चे या रिस्पेक्टेड पर्सन की पहचान है, यही पहचान होती है कि कहाँ हमारी इज्जत है, क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए। आज उन्होंने चुपचाप फ़ोटो वीडियो हटा दी, क्या आप लोगों को पता चला? नहीं पता चला ना, मैंने अभी देखा और मुझे थोड़ा सा टाइम लगा, मैं काम कर रही थी, फिर मैंने उसके बाद अपना वीडियो बनाना स्टार्ट किया, तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों को बता दूं। तो उन्होंने सच में फ़ोटो वीडियोस वहाँ से हटा दी हैं, सिर्फ तासी के साथ वाली, उसमें दीदी भी हैं, तो वो वाली वीडियो फ़ोटो नहीं हटाई। यही एक अच्छे पर्सन की पहचान होती है, इसी को एक रिस्पेक्टेड पर्सन कहते हैं और इसी को एक संस्कारी बच्चा भी कहते हैं। और रही बात शादी की, तो इतनी गंदगी सुनने के बाद कोई भी शादी नहीं करता। दीदी के चैनल से क्यों नहीं हटी? क्योंकि दीदी के चैनल पे तो आज भी उन वीडियो पे अच्छे खासी व्यूज आते हैं, आज भी उन पे डेली व्यूज बढ़ती हैं, तो दीदी को तो उनसे इनकम हो रही है, और थोड़ी बहुत नहीं, उनको अच्छी खासी, क्योंकि मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं, तो मिलियंस में व्यूज आएंगे तो कौन है कि जो उनको प्राइवेट कर सके, भलाइन डिलीट नहीं करेगी लेकिन प्राइवेट भी तो कर सकते हैं। अब चाहे दीदी कर दें, हो सकता आप चाहे कर दें, एक आध दो दिन बाद कर दे, नहीं तो आज ही कर दे उनका देख के, लेकिन दीदी भी अब हटा देंगी, इतना मतलब पता है कि दीदी भी अब उनको प्राइवेट कर देंगी। तो दीदी ने तो वैसे भी उन वीडियो से 15 लाख रुपए कमाए थे, दीदी ने तो उन वीडियो के चक्कर में, जब भी उसी टाइम पे सुना गया था कि उन्होंने इसी चक्कर में किसी भी दोस्त फ्रेंड को नहीं बुलाया कि
सब लोग आएंगे, सब ब्लॉगिंग करेंगे, तो पहले से ही कोई कहीं डाल देगा वीडियो, कोई कहीं, तो व्यू सबसे कम हो जाएंगे दीदी के। तो दीदी को तो वैसे भी ये सब नहीं रखना था, उनकी जो फ्रेंड थी नीतू मैना, उनको भी एक वीडियो नहीं डालने दिया था, उन्होंने भी अपनी लाइव में बोला था कि मुझे एक वीडियो भी नहीं डालने दिया था मेरे से, वो भी मेरे मोबाइल में डाटा था, वो भी डिलीट करवा दिया गया था। दीदी का इतना रुतबा हर किसी बंदे के ऊपर चलता था, तो वो वाली बात नीतू दीदी ने भी बोली थी कि किसी ने भी, उनके भाई ने भी नहीं डाल पाया था, मतलब किसी पर्सन ने भी उनकी बिना अनुमति के कोई भी वीडियो पोस्ट नहीं किया था। और रही बात सुमित महल की, जो सिस्टर हैं, जो छोटी छोटी उनकी जो बहनें हैं, कॉलेज वाली हैं, उन्होंने अपने पहले ही दिन उस पर से वीडियो हटा दिया था, ये बात तो पहले ही देख लिया था। और आज भी उनके ना इंस्टाग्राम पे कोई चैनल है, वो है ना कुछ है, लेकिन उनकी भतीजी ने भी एक बहुत अच्छी बात की थी, रिश्ता बने चाहे टूटे, लेकिन वो हमारी भतीजी है तो भतीजी ही रहेगी। तो इसी अंदाज से सुमित महल, जब उनकी बहनों ने उसको भतीजी माना, सुमित महल ने बेटी माना, तो उस लड़की की कोई गलती नहीं है। तो ये भी उनकी, देखो लड़कियां ज़्यादा बड़ी नहीं है, सुमित महल की जो सिस्टर थी, कजिन सिस्टर, वो ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन उन्होंने समझदारी की बात की थी, रिश्ता बने चाहे बिगड़े चाहे टूटे, कुछ भी हो, लेकिन वो हमारी भतीजी है तो रहेगी। तो वो तो देखो उन, अब है वो तासी पहले ही से जबलपुर की थी, वो जबलपुर ही है, वो ठीक है, उनका तो मिलना जुलना जब भी होगा, तो लड़की से कोई बुराई नहीं है। तो यही एक अच्छे संस्कार की बात होती है। और यहाँ पे जो भैया, जो दीदी की पक्षकार और सलाहकार आती हैं, जो जगत दीदी के, जो इतना हुदम और हल्ला, बहुत मतलब एक एक दो दो घंटे लाइव पे बैठते हैं। अब पता दीदी, हल्का दीदी अकेली नहीं है इसमें, और भी लोग जुड़ गए ना उनके, वो और ज़्यादा हल्का दीदी के साथ में आके वो, अब वो और ज़्यादा एडवांस बोलने लगी। हल्का दीदी तो ठीक है, जो बोल रही थी उनका तो सबको पता चल गया, अब वो इतना नहीं बोल रही जितना उनकी जो लाइव में आके उनकी पहचान बन गई, पहचान बनने के बाद बस अब वो स्टार्ट हो गए। तो वो और एक एक दो दो घंटे को लाइव आते हैं और ऐसी डंके की चोट पे बोलती हैं जैसे सब कुछ यही सही है, इन यही सब कुछ जानती हैं, बाकी कोई कुछ नहीं जानता, मतलब बेमतलब में गलत बोलना। उस दिन कितना गलत बोला था यार सुमित जी को, मैं तो उस दिन, मैंने थोड़ा सा लाइव देखा था, मैं तो उसी में सुन के रह गई थी। वो सच में इसीलिए कुंवारा है, इसीलिए उसकी शादी हुई, क्योंकि आते ही वो इस कैटेगरी से है, अच्छा रहा जगत दीदी बच गई, भगवान ने उन्हें बचा लिया। अरे भगवान ने उन्हें नहीं, भगवान ने उसे बचा लिया, क्योंकि भगवान जो करता वो अच्छे के लिए करता। देखो अगर तुम्हें लग रहा कि हमने किया है, नहीं, ये सब भगवान ने किया है। जो रिश्ता टूटा ना, वो भगवान की मर्जी से टूटा है। भगवान की मर्जी से यदि बनने जा रहा था, यदि जो बंदा इतनी चीज़ें एक्सेप्ट कर रहा था, एक 7-8 साल की बेटी भी थी, एक सेकंड मतलब वाइफ, वो तो सेकंड ही थी लेकिन इनकी फर्स्ट वाइफ बनती, लेकिन वो तो सेकंड हस्बैंड हो रहे थे ना उनकी, तो उनको उस, वो भी एक्सेप्ट किया सुमित जी ने, और उसके बाद भी आप लोग उनको इतना गलत बोल रहे थे। और देखो आपने कहा कि वो उनके लिए इतना बोल रहा है, फिर भी उनको एक बार सोशल मीडिया पे आना चाहिए, तो सोशल मीडिया पे नहीं आना, उन्होंने कोई चीज़ सोशल मीडिया पे अपनी नहीं रखी है, तो वो सोशल मीडिया पे क्यों आए निपटाने। आज आपने कहा एक बार आके कम्युनिटी तो डाल दो, आप वो एक कम्युनिटी डालेंगे उसमें ढेरों कमेंट आ जाएंगे, और किस किस का वो जवाब देंगे। एक बार वीडियो बना देंगे आप, उसमें ढेरों वीडियो बना डालोगे, कोई कुछ मकसद निकालेगा, कोई कुछ मकसद निकालेगा, क्योंकि यहाँ पे तो सब बात का बतंगड़ा बनाने बैठे हैं, तो बात बनेगी मतलब बात बनेगी नहीं, बात बिगड़ेगी। तो जी सुमित महल का एक, मुझे कहीं से कहीं तक ये लग रहा कि शायद कुछ चीज़ें हद तक सही है कि वो इस वजह से नहीं आ रहे। और देखो अगर उन्हें थोड़ी बहुत जो जानकारी इन्फॉर्मेशन दे रही, तो उनकी वो भाभी खुद दे रही हैं, और वो भी भाभी भी उनकी देखो बहुत समझदारी से बात कर रही, वो भी कोई चीज़ फालतू नहीं ला रही। और लोग बाग उनको बोल रहे हैं व्यूज के लिए, तो उनके पास भैया ऑलरेडी इतने सारे चैनल हैं व्यूज व्यूज की, तो उन्हें कोई सच में कोई कमी नहीं है, इतने सारे ऑलरेडी प्ले बटन उनके लगे दिख रहे हैं। हमारे पास क्या है, एक प्ले बटन है, उनके पास तो ढेरों रखे है ना। तो ये सब चीज़ें दिमाग से छोड़ दो, मतलब आज क्लियर हो गया कि सुमित महल की साइड से भी रिश्ता टूट गया। और वैसे भी सुमित महल ने ही तोड़ा था, क्योंकि देखो उसमें क्या था, ना तो जगत दीदी का था ना जगत जीजा का था, इसमें फैमिली का भी था, तो सुमित महल की फैमिली ने एक्सेप्ट नहीं किया होगा, ये बात हम बिल्कुल मान रहे। और ठीक है, जो होता अच्छे के लिए होता, शायद उनकी किस्मत में कुछ अच्छा लिखा होगा, इनकी किस्मत में कुछ अच्छा लिखा होगा। तो बस इसी के साथ मैंने वीडियो को अपना एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। बाय बाय।